मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या डिज़ाइनिंग करने में मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी डिज़ाइन करूं और किसी भी बड़े इवेंट की। लेकिन अभी मेरा माइंडसेट यह है कि मैं थोड़ा सा और शाइन करूं अपनी इस स्किल को। बहुत बिगिनिंग अभी मेरे लिए, मैं इसको थोड़ा सा शाइन करूँ और फिर इंशाल्लाह इसको बड़े प्लेटफॉर्म पर यूटिलाइज़ करूँ। माइंड में एज सच कुछ भी नहीं था। जब मैंने ये PDF फाइल सर्कुलेट होते देखी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, तो उस टाइम सिर्फ माइंड में यह था कि ये बहुत ज़्यादा अचीवेबल थिंग है। बस उसी एम को क्लियर के अपने गोल को सेट किया कि इंशाल्लाह ये हम लोग अचीव कर सकते हैं। जो फर्स्ट प्राइज क्योर करेगा उसको 1 मिलियन मिलेगा और डिफरेंट डिनोमिनेशंस में। तो मैंने सिर्फ एक डिनोमिनेशन में नहीं, 2 में फर्स्ट प्राइज़ को सिक्योर किया। मेरा ध्यान जो होता था ना बेसिकली वो इन स्किल्स में ज़्यादा लगता था, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, हॉकी खेलना, राइडिंग करना। CNN प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मायदा वहीद। और जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये खबर गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान की करेंसी जिसमें 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 5000 का नोट शामिल है उसको तब्दील किया जाएगा। हमारे साथ ऐसी ही एक होनहार टैलेंटेड एक लड़की मौजूद हैं जो नारोवाल के छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें बकायदा तौर पर विन भी किया। मज़ीद उन्हीं से जान लेते हैं। मैमूना, मुझे बताइएगा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस चीज़ पर। किस तरह आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे इस चीज़ को लेकर आगे जाना चाहिए? फर्स्टली तो थैंक यू सो मच, एंड सेकेंडली ये कि माइंड में एज सच कुछ भी नहीं था। जब मैंने ये PDF फाइल सर्कुलेट होते देखी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो उस टाइम सिर्फ माइंड में ये था कि ये बहुत ज़्यादा अचीवेबल थिंग है और बस उसी एम को क्लियर रख के अपने गोल को सेट किया कि इंशाल्लाह ये हम लोग अचीव कर सकते हैं। और मेरे साथ मेरी को डिज़ाइनर मरियम ने इस जर्नी में मेरा भरपूर साथ दिया और जिसकी वजह से हमने ये अपना गोल अचीव कर। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक चीज़ ये बताइएगा, आपने किस इदारे से जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया? क्या आपने ऑनलाइन किया या बाकायदा तौर पर आपने इसकी प्रॉपर क्लासेस भी ली? मैंने CFS से किया, क्रिएटिव फोक स्टूडियो, और इसका शॉर्ट आउट मेरे सर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हसीबुल्ला खान ने किया था, जिनकी वजह से मैंने इनको कॉन्टेक्ट किया और इनका 2 मंथ्स का ऑनलाइन डिप्लोमा लिया। हम देख रहे हैं स्क्रीन पर भी जो है वो चल रहे हैं नोट, 100 का नोट है और 5000 का नोट इसके साथ है। अगर हम 5000 के नोट को देखें तो बड़ा ही खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है, और अगर हम 100 के नोट की बात करें तो 100 का नोट भी जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन किया गया। मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसमें देखा जाए तो यही 2 नोट जो हैं उनके विन किए हैं और मैमूना ने इसमें फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैमूना, मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से आपको इसमें क्या इनाम दिया गया है? मैम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्राइज़ अनाउंस किए थे वो यही था कि जो फर्स्ट प्राइज़ क्योर करेगा उसको 1 मिलियन मिलेगा और डिफरेंट डिनोमिनेशंस में। तो मैंने सिर्फ एक डिनोमिनेशन में नहीं, 2 में फ़र्स्ट प्राइज़ को सिक्योर किया। तो इंशाल्लाह होपफुल कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जल्दी कोई ना कोई सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ करेगी और हम लोगों को इस चीज़ से बताएगी कि कितना हमें प्राइज़ दिया जा रहा है। मैमूना का एक भी नहीं, 2 नोट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, और ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है। अगर शायद मैं इसकी जगह पर होती तो मैं फूली नहीं समाती, क्योंकि ये बड़े एज़ाज़ की बात होती है कि करेंसी में जो है वो आपके ऐसे नोट सेलेक्ट कर लिए जाएँ। मैमूना, मुझे ये भी बताइएगा, फैमिली की जानिब से आपको कुछ हर्डल्स पेश आई या सब जो है फैमिली वाले आपके साथ बहुत स्मूथ चले? मैम, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट है। मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ, पहली बात तो ये है कि मैंने जो भी काम किया लाइफ में फुल डेडिकेशन के साथ किया है, और इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, हर चीज़ डेडिकेशन मांगती है, और मेरी फैमिली की सपोर्ट रही है मैंने जो भी करना चाहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं स्पोर्ट्स वुमेन हूँ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ फैमिली, भाइयों की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे। अच्छा मैमूना, मुझे ये बताइएगा, पढ़ाई में आप कैसी थी और बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप किस तरह से सर फहरिस्त रही? मैम, स्टडीज़ में आई वॉज गुड, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ध्यान जो होता था ना बेसिकली वो इन स्किल्स में ज़्यादा लगता था, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, हॉकी खेलना, राइडिंग करना, ड्राइविंग करना, तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस रहा है मेरा लाइफ में, और अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक चीज़ को पिक करके तो मुझे लिफ्ट दी है। तो स्टडीज़ में आई वॉज़ गुड, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आई वॉज़ टू गुड।
जो ममूना ने अपने सारे शौक़ बताए हैं वो अमूमन एक लड़के के शौक़ होते हैं और वो लड़के की सारी एक खेल कूद होती है कि वो इन चीज़ों में इन चीज़ के जो है वो शौकीन होते हैं। ममूना मुझे आप एक और चीज़ भी ये बताइएगा, कोई आपके साथ इसमें किसी ने पार्टिसिपेट किया, कोई आपकी फ्रेंड थी या किस तरह से ये सर्कल सारा चला? मैम पार्टिसिपेशन तो मुझे नहीं ऐसा सच पता कि किसी ने की थी कि नहीं, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ग्रुप में फाइल शेयर हुई थी, मैंने पिक किया और मेरे साथ मेरी को डिज़ाइनर, मैंने आपका नाम मरियम अफजल ने, हम लोगों ने वहाँ से पिक किया और बस उस पर काम किया फोकस होकर कि ये करना है और ये अचीवेबल है। अभी तकरीबन ममूना मुझे ये बताएं कि 6 to 7 months जो है वो इसको प्रोसीजर को चल रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट ये की गई है, फर्दर क्या इसके बारे में कहा जाएगा? जो एक पेमेंट अनाउंस हुई है आपके लिए, एक आपको विनर जो है वो करार दिया गया है, उसकी अमाउंट आपको कब तक मिलेगी? मैम एक्सपेक्टेड तो यही है कि इसी मंथ में हो जाएगा, और क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट इसको सारी चीज़ों को डील कर रही है, इसका प्रोटोकॉल सारा वही फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये क्या अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट जल्द ही अनाउंस करेगी, बट अब कब करेगी कोई फिक्स डेट ऐसा हमें उन्होंने नहीं बताई है, तो हम लोग उसी डेट का वेट कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ अनाउंस करे तो फिर हम इंशाल्लाह सेरेमनी में जाएँ। अच्छा मुझे आप अपने फर्दर गोल भी बताइएगा कि आगे, अभी तो आपने ये एक इतना बड़ा अचीवमेंट आपको मिल चुकी है, फर्दर आपके क्या प्लान्स है कि आगे क्या गोल सेट किया है कि अब मैंने ये अचीव कर लिया है, आगे मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है? मैम मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या डिज़ाइनिंग करने में सबसे बड़ा मोटिव यह था कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी डिज़ाइन करूं और किसी भी बड़े इवेंट की, तो ये मेरा एक मेरा अगर इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ जा रही है पीसीबी तक या किसी तक, तो हम लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूर कोई कंपटीशन रखवा दिया जाए या कुछ भी ऐसा होना चाहिए प्लेटफॉर्म। लोगों ने कांटेक्ट किया आपको कि ये मेरी दोस्त है या ये तो मेरी दोस्त थी जिसने इतना कुछ कर लिया? डेफिनेटली ये तो है ना, मतलब मैंने जहाँ स्कूल, आज से कोई काफ़ी टाइम पहले की बात है, मुझे स्कूल टीचर फ़ोन करके कह रही थी कि आप हमारी स्टूडेंट हैं, तो यूनिवर्सिटी से कॉल आई और वो एचआर के उनके साथ रेक्टर के साथ मीटिंग थी मेरी, और वो इंशाल्लाह मैंने उनको टाइम दिया था कि सेरेमनी के बाद इंशाल्लाह उनके साथ मीटिंग रखेंगे, और यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को अप्रेज कर रही है और उन्हें इनवाइट किया हुआ है बाकायदा तौर पे, तो सब खुश हैं। अच्छा मुझे एक छोटी सी और आखिरी चीज़ भी बता दीजिएगा, हम देखते हैं कि जब बंदा इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है तो उसको सोशल मीडिया या मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, अभी तक किन किन लोगों ने आपको अप्रोच किया है और आगे फर्दर जो है वो आपके क्या है कि लोग अगर आपको बुलाएंगे आप जाएंगी या फिर आपका है कि बस अब मैंने ये कर लिया तो मुझे कहीं नहीं जाना? नहीं नहीं मैम बेसिकली ये है कि अभी तक मुझे सिर्फ 2 या 3 जगह से कॉल्स आई हैं और वो उन्होंने अप्रोच भी किया है, लेकिन अभी मेरा माइंडसेट ये है कि मैं थोड़ा सा और शाइन करूं अपनी इस स्किल को, बहुत बिगिनिंग अभी मेरे लिए, मैं इसको थोड़ा सा शाइन करूं और फिर इंशाल्लाह इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज़ करूं, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म बड़ा था तो वो उसकी वजह से थोड़ी सी आपको थोड़ी नहीं हाइप मिल गई और फेम मिला नाम मिला, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म होना यंगस्टर्स के लिए यूथ के लिए, बेसिकली वो लड़कियाँ हों बेशक वो लड़के हों वो मैटर नहीं करता, बेसिकली प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं जिसकी वजह से वो आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है, तो प्लेटफॉर्म मिला, इस तरह के प्लेटफॉर्म और भी मिलेंगे तो इंशाल्लाह इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा फर्दर। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ममूना के ख्वाब भी उतने बड़े हैं जितना माशाल्लाह से उनके अंदर एक हुनर है, उसी तरह से उनके ख्वाब हैं और मैसेज भी दे रही है कि ना सिर्फ इनके लिए बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान जितनी भी ख्वातीन हैं और उनमें बेशुमार टैलेंट जो है वो भरा पड़ा है, तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए जिस तरह से ये उभर कर आगे आई हैं उसी तरह से और भी बहुत से सितारे ऐसे हैं जो ख्वातीन आगे आना चाहती हैं और बाकायदा तौर पर टैलेंट भी रखती हैं, तो हमारी हुकूमत से भी अपील है कि उनको भी ऐसे मौके फ्राहम किए जाएँ कि वो ना सिर्फ वहाँ पर ही महदूद रह जाएँ बल्कि वो मज़ीद आगे बढ़े और अपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से सरबुलंद कर सकें, रोशन कर सकें।